नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं कभी जमाने को, कभी अपने आप को। किस्सा कहानी की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं वर्षा गर्ग आज आप सभी को सुना रही हूँ अपनी ही लिखी एक छोटी कहानी जिसका शीर्षक है देवी सी माँ। जोरों से बजते मंजीरे, झांझ और ढोल एक दूजे से होड़ ले रहे हैं। माहौल में आवाज़ गूंज रही है, ओम जय माँ जगदम्बे, ओम जय माँ जगदम्बे। इतना शोर भी ऋतु के मन का कोलाहल दबा नहीं पा रहा। कल शाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि गुजर जाएगी, इतना अच्छा मौका बार बार कहाँ मिलता है। ऋतु उदास है, थोड़ी परेशान भी। विदेश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिली है, एक ही शर्त रखी है कि शुरू में आने जाने और वीज़ा का खर्चा स्वयं छात्रों को वहन करना होगा, और इसी आने जाने के खर्चे को पापा उसकी शादी में लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उफ, क्या करें, कोई सूरत नज़र नहीं आती। शादी से इनकार नहीं है, पर फिलहाल उसकी प्राथमिकता कुछ और है और पापा अपनी प्राथमिकता पर अड़े हुए हैं। इसी उधेड़बुन में देवी माँ से प्रार्थना करते करते सो गई। आधी रात को अपने नज़दीक अम्बे माँ सा ही एहसास हुआ ऋतु को। माँ तुम? हाँ बेटा मैं। ये ले, इन्हें बेचकर अपने जाने का इंतज़ाम कर ले। अभी पापा से कुछ मत कहना, मैं बाद में सब बता दूँगी। एक बार टिकट और वीज़ा का इंतज़ाम हो जाए फिर सब संभालना आसान हो जाएगा। पर माँ, देख बेटा, मेरा स्त्री धन है ये, मुझे हक है अपनी मर्जी से खर्च करने का। अगर तू कुछ बनकर आएगी तो हम सभी का सिर ऊंचा होगा ना। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, शादी तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, पर मैं तेरे सपनों को मरता हुआ नहीं देख सकती। हतप्रभ सी ऋतु निहार रही है, माँ तो हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करती आई हैं। बिन मांगे जो सब दे दे, वही तो होती है देवी माँ, मेरी प्यारी देवी सी माँ। आप सभी को नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।